जलंधर पठानकोट हाईवे पर धुंध की वजह से कई वाहन आपस में टकरा गए, जिनमें से कई लोगों के घायल होने का समाचार है। बताया जा रहा कि स्कूल बस ने आगे से ब्रेक लगा दी, जिस दौरान कई वाहन आपस में टकरा गए। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में स्कूली बच्चों का तो बचाव रहा, लेकिन पीछे आ रही बस की सवारियों को काफी चोटें आई। फिलहाल सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। मौके पर पहुंची थाना मकसूदा की पुलिस ने सभी वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मामला यह है अभी धुंध पैन कारण ना राहगीर का फोन आया सी ब्याह अपना बल्ला अड्डा सरमासपुर गुरुद्वारे लगे ना तीन एक्सीडेंट हुए जो मौके से पुलिस पार्टी समेत गए हैं। जब देखा कि करतार बस का टैंकर में एक्सीडेंट होया सी, एक जी टैंपो ट्रैवल सी उसकी स्कूल बस में एक्सीडेंट होया सी, एक ट्रक का आपस में दूसरे ट्रक में एक्सीडेंट होया सी। मौके से जाके सारे पहला जिहड़ा हैगा जख्मियों निजी हस्पताल में जाने वास्ते एंबूलेंस का प्रबंध करके उन्होंने उत्थे पहुंचाया। तो उस तो बाद पुलिस पार्टी के नाल जिहड़ा हैगा अपना जाम खिला के जी आवाजाही सुचारू ढंग ने चलाया। तो सर कोई जानी नुकसान तो नहीं होया जी? अजे तक जानी नुकसान कोई नहीं, थोड़े सवारियों के बस जी कतार बस के सवारियों थोड़े सट्टा लगियां सी, उन्होंने निजी हस्पताल में बचाया। उत्थे जाके उन्हों का हाल चाल पता करके बयान लैके अगली कार्रवाई अमल च लैनी जाऊगी।